हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोलोक मूर्ति पर। और फ्रेंड्स, आज हम कान्हा जी का जो ड्रेस बनाना सीख रहे हैं, तो हमने कुछ इस प्रकार से कपड़ा लिया है और इसको हम बीच में से कट कर देंगे। फ्रेंड्स, ये वाला मेजरमेंट जो है आपके कान्हा जी के शोल्डर का होगा, तो आप उसी हिसाब से दो पट्टियाँ निकाल लीजिए जो कि कान्हा जी के कंधे पर जो है बैठ सके। तो यहाँ पर हमें इनको जो है इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। और ये सिलाई हम कैसे लगाना है मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हम जो सिलाई लगाते हैं उसको, अभी ये देखिए कुछ हिस्सा छोड़कर मैंने जो उसको सिलाई लगानी शुरू कर दी है। तो ये आप पूरा जो लास्ट तक है सिलाई लगा लीजिए और उसके बाद हम देखते हैं कपड़े। और ये देखिए इसी प्रकार से मैंने दूसरा वाला भी कर लिया है और आपकी इसकी जो सिलाई आप देख लीजिए। और फ्रेंड्स, आप सब लोग बहुत कह रहे थे इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपको ड्रेस कैसा लगा ये भी कमेंट करके बता दीजिए। तो फ्रेंड्स, अब जो हमको कान्हा जी की जो मतलब उनकी जो बाई होती है आस्तीन, उसको जो बनाना है, तो ये देखिए यहाँ पर हमने उसकी जो हिसाब से आप मेजरमेंट ले लीजिए कान्हा जी के हाथों का और उसके हिसाब से ही हमको जो है कपड़ा कट करना है। तो ये वाला मेजरमेंट उनके हाथों का है, तो आप हाथों का जो मेजरमेंट ले लीजिए, या तो आप उनकी जो पुरानी कोई ड्रेस होगी तो उसका भी मेजरमेंट लेकर बना सकते हैं जो कि कान्हा जी को फिट आती होगी। तो फ्रेंड्स, इसको जो है हम बीच में से कट कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए दो हमने जो उसकी पार्ट्स कर लिए हैं और एक एक पार्ट एक एक हाथ के लिए है। तो हम जो इसे जॉइन करना है वो देखते हैं। पहले तो हमें इसे इस तरीके से सिलाई लगानी है ताकि उनके जो हाथों से धागे ना निकले बस। और ये हम दोनों को सिलाई लगा के दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो इसको सिलाई लगा ली है। और अब जो है ये हम उसके साथ उस वाले पार्ट के साथ जॉइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमने थोड़ा सा उसका जो पार्ट छोड़कर सिलाई लगाती है वो पार्ट के बिल्कुल अपोजिट पार्ट पर हमें इसे जॉइन करना है। तो ये उल्टी बाजू जो है दोनों की उल्टी बाजू ऐसे रख देनी है और इस तरीके से रख देंगे और यहाँ पर से सिलाई लगानी है। ये पूरी आप सिलाई लगा सकते हैं और सिलाई लगाने के बाद मैं दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, मुझे बताने में मतलब जो मैं बार बार ये वीडियो ज़्यादा नहीं बनाता हूँ तो बताने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, बट आप देख कर समझ लीजिए। तो मैं आपको ठीक से नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आता है, मैंने सिलाई लगाई कैसे इस तरीके से। तो अब जो है हमें सिलाई कैसी, ये आप जो उनके हाथ से हाथ के हिसाब से नाप ले लीजिए और यहीं से आप सिलाई लगाते हुए ये पूरा आप सिल लीजिए। देखिए यहाँ से हमें सिलाई लगानी है और यहाँ तक आप उसे सिल देना है। तो वो जो मेजरमेंट होगा कान्हा जी के हाथों का होगा और कान्हा जी को जो आराम से हाथ उनका चले जाना चाहिए उससे। तो इस प्रकार से सिलाई लगानी है और ये देखिए यहाँ से सिलाई लग चुकी है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये कुछ इस प्रकार से सिलाई मैंने लगाई है और यहाँ तक आई है। तो इसे हमने उल्टा कर देना है अभी। तो पहले तो ये पार्ट हम काट देते हैं। तो ये दूसरा वाला मैंने सील दिया था, तो उसको मैं दिखा देता हूँ। और ये देखिए कुछ इस प्रकार से आता है और इसमें से ऐसे कान्हा जी का जो हाथ चला जाएगा। तो ये कान्हा जी का जो हाथ है आराम से जाए इस तरीके से आप सिलाई लगाइए। और ये देखिए कुछ इस प्रकार से जॉइन किया है। तो ये जो आप उनको उल्टा करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ 2 मिनट। तो ये वाला जो पार्ट है ना वो हमें कट कर देना है। तो ये देखिए मैं कट करके आपको बता देता हूँ। तो इस तरीके से कट करके हमें जो उसको उल्टा कर लेना है। देखिए तो अब जो है हम इन दोनों पार्ट्स को जोड़ने वाले हैं। तो आप सही कर लीजिए उसको और बाद में जो उल्टा करने के बाद ठीक से उसको मतलब जो जैसे सिलाई लगाई है वैसे कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कान्हा जी का जो कुर्ता तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत ही आराम से कान्हा जी को आ जाता है। अब जो हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो इसको जॉइन कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले तो हमें इन दोनों को लिए कुछ तो नीचे जो मतलब
सिलाई लगानी होगी, वो वाली सिलाई आप देख लीजिए, ये देखिए कुछ इस प्रकार एक के ऊपर एक रख देना है और इधर से सिलाई लगानी है। तो जब सिलाई लगाएंगे तो थोड़ा पार्ट छोड़ देना है, आगे वाला मैं आपको सिलाई लगाते हुए बता दूंगा। देखिए इस प्रकार से एक के ऊपर एक रख के आगे से सिलाई लगानी है। तो ये देखिए सिलाई लगा के, और अब जो है उसके नीचे वाला पार्ट जो हमें बनाना है, जो कि मैंने पिछली वाली ड्रेस को भी बनाया था, इससे कि अच्छा लुक आता है और कुर्ता भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप कोई भी मतलब आप स्टाइल ले सकते हैं, बट ये मैंने अभी यहाँ पर इस तरीके से ड्रेस बनाना है। तो मैंने देखिए इस प्रकार से उनको जो फोल्ड किया है, और ये फोल्ड्स बहुत ही अच्छे से आने चाहिए, और बाद में मतलब परेशानी नहीं होनी चाहिए कि फोल्ड्स में मतलब सिलते वक्त फोल्ड्स जो है अच्छे से बैठने चाहिए। तो छोटे छोटे फोल्ड्स लगा लीजिए, और यह देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से हमें फोल्ड्स लगा के सिलना है। अब जो है मैं उनको उसको जो तैयार करके ही दिखा देता हूँ आपको, मतलब आपको देखने में आसानी होगी। तो सिलाई लगा लेते हैं इसको। तो इस तरीके से रख देता हूँ, और अब जो है इसे सिलाई लगा देते हैं। आप फोल्ड्स में जो सिलाई लगाएंगे तब आप ध्यान से सिलाई लगाइए, कभी कभी जो फोल्ड्स है निकल जाते हैं और सिलाई अच्छी नहीं बैठती है। तो ये दो तैयार कर लेने हैं, इस प्रकार से आएंगे। देखिए ये दो इस प्रकार से तैयार कर लेने हैं, और ये जो ऊपर वाला पार्ट्स है वो काट दे दें, क्योंकि उसका जो हमें काम नहीं है कुछ भी। और ये हम यहाँ पर अब ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करते समय भी यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देकर देखिए वीडियो, और प्लीज़ वीडियो को आप जो है स्किप मत कीजिए, क्योंकि अब जो वीडियो मतलब बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें कट कर देना है। आप चाहे तो ये वाला कुर्ता भी कान्हा जी को पहना सकते हैं, और नीचे वाला आपको नहीं बनाना है तो वो आप स्किप कर सकते हैं पार्ट, बट वो हम जब बिठाएंगे तो बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो मैं जो नीचे वाला पार्ट कट कर देता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा कुर्ता कान्हा जी को नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अब जो है ये कुछ ठीक से हमने कट कर लेना है, बिल्कुल लाइन में एक, और अब जो है उसको ज्वाइन करना है। तो वो देखिए इस प्रकार से हमें ज्वाइंट करना है। तो इसके लिए जो सिलाई नहीं दिखे इसलिए हम इसे उल्टा कर देंगे, देखिए, और ये जो है इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं, ऐसे कर देंगे तो ये पीछे वाला पार्ट पीछे रह जाएगा, और आगे से कुछ भी मतलब नॉर्मल दिखेगा, और कुछ अलग से मतलब कुछ सिलाई नहीं दिखेगी। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ऐसे सिलाई लगा के इसे उल्टा कर देना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने सिलाई कैसे मारी है। तो अब जो है देखिए कुछ इस प्रकार से रख रहे थे हम, तो अब जो है उल्टा करके इस प्रकार रखना है, दोनों को इस ऐसे ही रखेंगे, ऐसे सीधा है और ऐसे उल्टा करके रखना है। तो उल्टा करने के बाद यहाँ से सिलाई हमें लगानी है, और यहाँ से सिलाई लगाने के बाद हम देखते हैं उसको। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला था वैसे मैंने सिलाई लगा दी है, और अब जो है इसे उल्टा कर देते हैं। तो ये अब जो देख आप ड्रेस का जो लुक देख सकते हैं, कितना प्यारा ड्रेस लग रहा है। आप सेम जो है लहंगे के ऊपर भी राधा रानी के लिए इसे बना सकते हैं, तो दोनों का ड्रेस जो है सेम लगेगा, और अच्छे लगेंगे दोनों भी। तो इस पर जो हम कुछ लेस वो लगा देते हूँ, और आप भी अगर आपके पास मतलब लेस होगी या आपको अगर लगाना पसंद है तो आप उस पर लेस लगा दीजिए। अब जो है पैंट का जो मेजरमेंट ले लेते हैं, और ये मैं इसकी बात कर रहा था, तो आप ये देख सकते हैं अब जो है लुक मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ये ड्रेस। तो ऐसे ही आप लेस आपके पास होगी तो आप लगा लीजिए। और हम जब पैंट के मेजरमेंट लेने वाले हैं, तो फ्रेंड्स हमारे कान्हा जी मतलब 6 इंचेस के हैं, तो हमें पैंट जो लेनी पड़ेगी तो 4 इंचेस की लेनी पड़ेगी, क्योंकि पैंट मतलब नीचे से 4 इंच का लेंगे तो बाद में नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो बराबर पैंट आ जाएगी। तो आपके कान्हा जी के हिसाब से आप पैरों का जो मेजरमेंट लेके पैंट बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको मेजरमेंट लेके ही दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने मेजर कर लिया है, देखिए ये 4 इंचेस है,
अब देखिए आपको मैं अच्छे से मेजरमेंट कर देता हूँ। दोनों को मैंने काट करके बाजू से सिलाई, सभी बाजू से सिलाई लगा ली है। ये 4 इंच सीधा उभा है, सीधा है, और ये 3 इंच का है जो कि उसकी विड्थ है। तो ये हम दोनों को अब ज्वाइंट करना है, तो एक दूसरे के ऊपर उल्टा उल्टा रखना है, मतलब सेम साइड में नहीं रखना है। देखिए कुछ इस प्रकार रख के उसके बीच में से हमें कट कर लेना है। आप इसका मेजरमेंट कर लीजिए दोनों का, दोनों हमारे 4 इंचेस के हैं, और दो उसका आधा कर लीजिए 2 इंचेस। तो 2 इंचेस तक हमने जो कट मारना है, तो वो कट कैसे मारना है और पैंट कैसे तैयार होंगी वो आप देखिए। तो हमें ठीक 2 इंचेस का ही जो कट मारना है। देखिए यहाँ पर मैंने मार दिया है। अब जो सिलाई बाजू से इसकी सिलाई लगनी है, तो वो सिलाई लगा के मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा बाद में जो वहाँ पर वी शेप कर दिया था, क्योंकि कान्हा जी को जब पैंट पहनाएंगे तो वहाँ पर अच्छा सा शेप आना चाहिए। तो इसी तरीके से दोनों बाजू में सिलाई लगा रही है आपको देखिए, और ये पैंट भी तैयार हो चुकी है। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से पहनानी पड़ेगी। आप चाहे तो बाजू में जो उसके बुकरम लगा सकते हैं, और या तो आप वहाँ पर बटन्स लगा सकते हैं। और ये दोनों हमारे जो ड्रेस तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ड्रेस कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने बहुत सारे श्रृंगार की वीडियोस अपलोड कर दिए, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको नए नए ड्रेस के जो डिज़ाइंस और चाहिए, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए हमको। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेसेस बनाने की जो स्टाइल्स है वो आपके साथ शेयर कर दूँगा। और कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।